भक्त्र व सर्ग ब्रह्मा जी के प्राण निधान से वायु के क्षय का और प्रसंग वश पूरी गई पूछी गई विराट स्थिति का वर्णन। श्री महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र तदनंतर जब विराट स्वरूप ब्रह्मा जी ने अपनी प्राण वायु का निधान किया तब वात स्कंद नाम से स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी ग्रह नक्षत्र आदि को धारण करने की मर्यादा छोड़ दी। वे वात स्कंद नाम से स्थित वायु ही विराट ब्रह्मा के प्राण है, इसलिए जब उनका उन्होंने उपसंहार ही कर लिया तब उन्हें छोड़कर सूक्ष्म भूतों को धारण करने वाली मर्यादा को ब्रह्म ग्रह मंडल में कौन रख सकता है। इसी हेतु से ब्रह्मा जी ने जब प्राण वायु रूप वात स्कंद का अपने में उपसंहार करना आरंभ किया तभी साथ साथ उपसंहार से एक बन जाने के लिए पूर्वोक्त मर्यादा का त्याग कर ग्रह आदि के क्षोभ उत्पन्न हो गया और क्षोभ के कारण जैसे वायु बहने के समय अग्निदाह होने पर अंगारे गिरते हैं, वैसे ही निराधार होकर आकाशमंडल से तारे भूमि पर टूटकर गिरने लग गए। इसकी शोभा वृक्ष से पूरे गिरी शोभा वृक्ष से गिरे फूलों की सी प्रतीत हो रही थी। इस भूमंडल में जो फल पुण्य फल कमाया जाता है उसको भोगने के लिए स्थान एक विमान है। इस विमानों का उपयोग करने में कारणभूत कर्म रूप मूल काल विपाक से कट गया और आधारभूत पवन के शांत हो जाने से वे टूट कर आकाश से गिर जाने लगे। ब्रह्मा जी का संकल्प रूप ईंधन जब प्रलयोमुख हो गया तब दीप्त ज्योतियों के सदस्य सिद्धों की गतिया सिद्धियां भी शांत हो गई। खेचर आदि सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैं, इसको सूचित करते हुए कहते हैं जब अपनी शक्ति का विनाश हो गया तब प्रलय के पवनों से छोटे तुल के सदस्य आकाशमंडल में गिर उड़ती हुई शब्दोच्चारण में भी असमर्थ सिद्धों की पंक्तियों की पंक्तियां आकाश से गिरने लगी। कल्प वृक्षों के समूह इंद्र आदि के साथ उनके नगर तथा भूकंप से चंचल हुए सुमेरु पर्वत के शिखर गिरने लगे। ब्रह्मा जी की स्थूल देह तो ब्रह्मांड रूप विराट है, इस विराट शरीर के भीतर सत्यलोक निवासी चतुर्बुद्धे तो उस विराट के मन से कल्पित एक प्रातिभासिक रूप है। ये चार मुख वाली देह ब्रह्मा जी की स्थूल देह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर तो उनकी स्थिति विराट देह के भीतर हो नहीं सकती। आज तक किसी की भी स्थूल देह में दूसरी स्थूल देह देखी या सुनी नहीं गई। स्थिति में प्रातिभासिक मानसिक चतुर्मुख देह में जो एक तरह से स्वप्न सी है, प्राणों के उपसंहार से विराट देह के स्तंभन प्राण स्थानीय वायु आदि का विनाश कैसे हो सकता है, क्योंकि देह स्वप्न देह में प्राण उपसंहार में मरण देखने पर जागृत शरीर में प्राण का उपसंहार होकर किसी भी मनुष्य की स्थूल देह का विनाश नहीं देखा जाता। इस आशय से श्री राम जी शंका करते हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर चतुर्मुख ब्रह्मा जी तो चित्ती के संकल्प स्वरूप मन है और वे विराट एवं ब्रह्मांड शरीर है, ये बात प्रसिद्ध है। इस संकल्प स्वरूप चतुर्मुख के भूलोक आदि अवयव ही नहीं हो सकते, क्योंकि अमूर्त मतलब निराकार मन के साकार अंग नहीं होते। यदि होते हैं तो भूलोक कौन सा अंग है, स्वर्ग कौन सा अंग है। हे ब्राह्मण, यदि यह माना जाए कि चतुर्मुख आकार है तो अल्प नाप वाले ब्रह्मा जी के ये अति विस्तृत पृथ्वी आदि अंग बनकर कैसे स्थित हो सकते हैं। यदि कहें कि ब्रह्मा भी अति विस्तृत है तब वे अपने ही शरीर रूप इस ब्रह्मांड के अंदर सत्यलोक में कैसे रह सकते हैं। हे भगवान, मेरा अभी व्यक्तिगत निश्चय तो यह है कि संकल्प मात्र स्वरूप ब्रह्मा जी निराकार है और ये जगत साकार है, इसलिए यदि इस विषय में इसमें अन्य कोई दूसरा तरीका हो तो मुझे कहिए। अब पहले जो प्रश्न किया है कि स्थूल देह मनोमय देह रूप और पृथ्वी आदि उसके अवयव कैसे, इसकी अनुभूति
इसका अनुभव कराने के लिए मूल वस्तु के दर्शन द्वारा भूमिका बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र राम श्री राम जी, पहले तो न कोई जगह असद वस्तु थी और न सत वस्तु ही थी, किंतु सभी तरह के सदादि विकारों से रहित चिन्मात्र परम आकाशी था। वही सब तरह की अभिलाषाओं और दिशाओं को एकमात्र पूर्ण करने वाला था। इसी परमाकाश ने अपने असली स्वरूप का परित्याग कर यानी स्वयं विकार को न प्राप्त होकर ही अपनी अवकाश रूपता की ऐसे कल्पना की जैसे चंद्रमा ने द्वितीय चंद्र रूप ही। इसी से उसने चैत्य को अपने से भिन्न वस्तु समझी और चिद्रूप होने से वह चेतन भी हुआ। हे राम जी, बोध्य बोध और बोध रूप ज्ञे ज्ञान और ज्ञाता रूप त्रिपुटी के मनन से घनीभूत बन जाने के कारण मन का वेश धारण कर स्थित हुआ वह चेतन जीव ही है। ये जान लीजिए, त्रिपुटी तक का जितना अभ्यास से उत्पन्न हुआ स्थिति जाल है, उतने के हो जाने पर भी उनमें कुछ भी परस्पर अलग अलग हो जाने वाला साकार रूप नहीं है, किंतु विशुद्ध चिदाकाशी है। ये चिदाकाशी पहले की न ही अपने स्वरूप में ही विद्यमान है, इसलिए ये जो दिखाई पड़ने वाला जगत है वह शिव स्वरूप परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। तदनंतर विलास विशाल वह मन अहंकार की भावना कर वो जब स्फुरित होता है तब अहम स्वरूप धारण करता है, परंतु संकल्पात्मक भी निश्चित संकलात्मक भी निश्चल और अविनाशी चिदाकाशी है। अहंकार की कल्पना के बाद स्थूल देह की कल्पना की उसकी अवस्तुभूति है, ये कहते हैं। संकल्पात्मक चिदाभास रूप आकाश जो कि अहम रूप भावना से भावित किया गया है, उक्त स्थूल देह के रूप का अनुभव करता है। वास्तव में ये असत ही है, इसलिए इसके अवयव भी आकाश में आकाश रूप से सदस्य ही है। यही जिस आकार की भावना करता है उसे जानता है, देखता है और अनुभव भी करता है। वास्तव में संकलात्मक शून्य ही इस देह के रूप में स्थित है। यदि देह शून्य है तो वह आकार कैसे अनुभूत होगी? इस पर कहते हैं, भद्र, जैसे आप शून्य स्वरूप संकल्प नगर को साकार देखते हैं, वैसे ही ब्रह्मा भी शून्य में शून्य रूप आकाश को देख कर देह रूप ही देखता है, क्योंकि उसने ऐसा ही अनुभव किया है। प्रलय और मोक्ष आदि की कल्पना भी ऐसी ही असत है, ये कहते हैं। संविद आत्मा स्वयं तो निर्मल है, इसीलिए इस प्रकार के जगत का जब तक अनुभव करने की इच्छा रखता है तब तक उस प्रकार का अनुभव कर फिर उसे अपनी इच्छा से स्वयं ही शांत कर देता है। कब शांत हो जाता है उसे कहते हैं जब हम लोग को तत्वज्ञान हो जाता है, तब विस्तृत ये प्रलय जो शून्य रूप होते हुए भी सत्य सा बनकर स्थित है उपसंहत शांत हो जाता है। असल में जो सत्य रूप ब्रह्म वस्तु है उसका ठीक ठीक परिज्ञान हो जाने पर इसी जन्म में मिथ्या वासना नष्ट हो जाती है, फिर अद्वैत भाव की प्राप्ति और अहंकार का विलय हो जाता है। इसके बाद केवल मोक्ष ही मोक्ष बच जाता है। ठीक वही बात रहे, परंतु इससे क्या मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया? इस पर कहते हैं, भद्र श्री राम जी, इस रीति से जो ये ब्रह्म है वही ये स्थित जगत है। सारांश यह है कि विराट ब्रह्मा का जो देह है वही ये जगत है। संकल्पाकाश रूपी ब्रह्मा जी की जो भ्रांति उठी है वही ये जगत भासता है और वही ब्रह्मांड कहा जाता है, इसलिए भ्रांति से ही ब्रह्मांड में भी स्थूल देता है। विचार से तो उसकी मनोमयता ही है, इसलिए उसके अंगों के उपसंहार से उपसार हो गया, ये पूर्वोक्त तात विसिद्धि सिद्ध हो गई। अथवा जागृत दुख मंता जागृत दुन्मुक्ता में स्वप्न के देहांगों के उपसंहार के देहांगों
के उपसंहार से कैसे स्वप्न के भूमि आदि लोकों का उपसंहार हो सकता है, उसे वैसे ही उन पृथ्वी आदि का उपसंहार हुआ, क्योंकि दोनों ही संकल्प आकाश रूप है। इस आशय से कहते हैं सभी कल्पनात्मक ये जगत संकल्प आकाश रूपी है, अतः वस्तुतः कहीं न जगत की सत्ता है और न कहीं त्वता भी। और न कहीं त्वत्ता मत्ता की यानी अहमता और ममता की ही सत्ता है। जगत असत अवास्तविक है, ये कैसे अपने जाना, इस प्रश्न पर उनकी असंभावना असंभाव्यता है, इसलिए यो उत्तर देते हैं चैतन्य रूप जो निर्मल आकाश वस्तु है उसमें कहाँ कैसे और किस हेतु से जगत की सत्ता हो सकती है, उसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है और उस उत्पत्ति में सहकारी कारण कौन हो सकते हैं, यानी ब्रह्म चैतन्य में विचारने पर जगत की सर्वथा ही असंभावना है, इसलिए ये असत ही उत्पन्न हुआ है, असत ही देखा जाता है और असद रूप ही जगत प्रिय अप्रिय से इस प्रकाशता है। इस तरह निष्पक्ष ब्रह्म ही भ्रांति से जगत रहित आकाश को असद जगत के रूप में देखता है, इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं चिन्मात्र यही धर्म जगत एवं उत्पत्ति आदि धर्मों के पास से स्वयं स्वतः प्रियाप्रिय रूप से प्रकाशित होता है। जैसे वायु से स्पंदन होता है वैसे ही अपने से ही अद्वैत चिदाकाश अद्वैताद्वैत से ही रहित है। उस चिदाकाश को ही आप जगत जानिए जो स्वयं स्वच्छ एवं बिना विकार शून्य है। पर राघव इस कारण में सभी तरह के विशेषणों से निर्मुक्त होकर स्थित हूँ। मैं परमार्थतः सत हूँ और व्यवहार में असत देहादि रूप भी हूँ। अब भी मेरे जैसे परमार्थ सदरूप और व्यवहार में असत देहादि रूप बनाकर ममता शून्य हो स्थिर हो जाइए। श्री राम जी आप समस्त वासनाओं को छोड़ दीजिए, मन का संताप छोड़िए, व्यर्थ के वाग जाल में मत फंसिए। अब अपनी सारी चपलताओं को तिलांजलि दे दीजिए। ये सब करके आप जो कुछ प्रारब्धवश या शास्त्रवश प्राप्त हो जाए उसे कीजिए या न कीजिए, इनमें किसी तरह का कोई आग्रह नहीं है। अर्थात इसके बाद समाधि से उठकर जागृत दशा में यथा प्राप्त व्यवहारों को कीजिए या समाधि में स्थिर हो जाइए, वो कुछ न कीजिए, इसमें कोई आग्रह नहीं है। इसलिए समस्त दृश्य ब्रह्मरूप ही है, भ्रांति के आकार में परिणित हुए उसके नानाविध ज्ञान ही दृश्यों के अनुभव है। ये निचोड़ अब तक के वचनों से हाथ लगा यो उपसार करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी जो अद्वितीय अनादि अविनाशी अनुभव रूप साक्षी चेतन है वही ये दृश्य है। इससे भिन्न दूसरा कोई भी दृश्यमान का पदार्थ नहीं है। अनुभव एक रस रूप ब्रह्म में जो अनेक तरह के अज्ञान है वे ही चित्र विचित्र भ्रांतियों को पैदा कर विस्तृत दृश्यानुभव रूप बन जाता है। 72वां सर्ग समाप्त।